नो ब्रेक, सेइंग देयर इज नो ब्रेक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट डज इट मींस? इट मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल, बट बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ओनली. इफ दिस इज द केस, देन ओनली आई विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द ग्राफ. मैम, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, क्या था वो क्वेश्चन? कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कुछ पूछा था ना आपने? एग्जिस्ट नहीं पूछा था मैंने, ये पूछा था कि अगर आपको किसी पॉइंट पे कह रहे हो आप लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, कब कहते हो आप किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? व्हेन आरएचएल एंड एलएचएल आर इक्वल, इक्वल? हाँ दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. ओके, सपोज ठीक है. आई हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि किसको एक पॉइंट दे दिया, अब मुझे मैथमेटिकली बताना है इस पॉइंट पे ब्रेक है या नहीं. Means there is break or not. If there is no break, then what will happen? I will start moving towards right, left hand side. Okay? And then we will try to see what happens to the values. This is my f of a actually. Okay? This is f of a. Now I am moving from the left hand side. You can see that these points are there. एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट, सपोज पहले फर्स्ट नंबर जो है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट रफ हैंडेड, सो यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी हियर. फर्स्ट स्टेप आपने चला, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया ओनली. बहुत क्लोज होंगे ये पॉइंट्स. सेकेंड पे आपको जो फंक्शन की इमेज मिल रही है, यू आर गेटिंग हियर, राइट? तो जैसे जैसे आप एक एक क्लोज आ रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वैसे वैसे आप बाई किसके क्लोज जा रहे हो? यू आर मूविंग टुवर्ड्स विच पॉइंट? लेट मी मेक जूम इट फॉर यू. नाउ ए को मैं ऐसे ए कॉमा एफ ए मीन्स वेन एवर आई एम मूविंग टुवर्ड्स ए ऑन दी x axis, what is happening? I am moving towards f of a on the y axis. So whenever we are moving towards right hand side, we are reaching some point A here. This is fine. This was for my right hand side or left hand side. So what can you say here? This is f of A because I am reaching left hand to f of A only. जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स एफ ऑफ ए ओनली. दिस इज ओके. नाउ व्हाट इफ आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बिकॉज देयर इज वन मोर वे टू अप्रोच हियर. सो सपोज आई एम हियर एंड ट्राई टू रिमेम्बर, जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, दीज पॉइंट्स आर वेरी नियर टू ए, बहुत क्लोज है ए के, दूर नहीं है ये. सो यू कैन सी दैट दिस पॉइंट विल करस्पॉन्ड टू हियर. नाउ लेट्स मूव मोर क्लोजर टू दिस. I will keep on moving towards A, and the image will be what? Image is also moving towards some number. जैसे जैसे मैं एक एक क्लोज आ रही हूँ, what is happening to the f of their images? They are also going to be closer to f of A. You can see that? यस मैम. Yes. No matter from which side you are approaching. मीन्स जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ, देन ऑल्सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स. इनफैक्ट दे आर, आई एम नॉट एट एग्जैक्टली एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए पे एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ मैं. आई एम सेइंग इट विल अप्रोच टूवर्ड्स ऑफ ए, एफ ऑफ ए पे आ सकता है, देन इट्स ओके. बट द मेन आइडिया हियर, द राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टूवर्ड्स एफ ऑफ ए. सो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका एफ ऑफ ए आया, एंड राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी एफ ऑफ ए. They are equal. If this is the condition,
दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द फंक्शंस वैल्यू इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट. इफ दिस इज द केस देन ओनली आई विल से माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. इज इट क्लियर? एंड रिमेम्बर दिस, व्हेन आई एम सेइंग वेरी क्लोज टू ए, इट मींस ये जितने भी पॉइंट्स लिए हैं दे आर वेरी वेरी क्लोज. मींस अगर ए मेरा 2 है सो दीज पॉइंट्स आर 1.99995, 1.9999999 सो दे आर वेरी क्लोज टू दीज पॉइंट्स. मैग्निफाइड इमेज बनाया है ऐसे समझ लो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर? नाउ इफ यू हमेशा ही पॉसिबल होगा देन इट इज नॉट नॉट लाइक दैट. देर माइट बी फंक्शंस की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो बट फंक्शन को नहीं टेंड कर रही हो, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं. देर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बट सिंस दिस वॉज द वे ऑफ टू चेक द कंटिन्यूटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नाउ यू टेल मी विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माई डोमेन? क्या मैं हर पॉइंट डोमेन के पॉइंट पे चेक करती चले जाऊं? विल इट बी पॉसिबल फॉर मी? नो मैम, नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. सो वी विल जस्ट लुक एट वॉट टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर एंड किस में आप एकदम से आप देख के बता सकते हो वेदर इट इज कंटिन्यूअस, हाउ टू जस्टिफाई दैट. सो लेट्स ट्राई टू सी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू द लीनियर फंक्शन व्हिच इज सिंपलेस्ट वन, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. इफ माई फंक्शन इज इन दिस फॉर्म सो वॉट कैन यू से अबाउट इट? इज इट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस? एंड सी, अगर मैं कह रही हूँ कंटिन्यूअस एवरीवेयर मीन्स कोई भी डोमेन दे दो हर जगह कंटिन्यूअस. इफ आई हैव अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वॉट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? इज इट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर? Let's try to answer through the. See, what is going to be the graph of this function? लीनियर Linear, right? This is basically यस मैम, it's a line which will keep on moving. Now you tell me, is there going to be any break in this line? नो मैम, So this is going to be continuous everywhere. यस मैम, This is continuous everywhere. Okay, all right. Then what about next is the polynomial function. What can you say about polynomial functions? डिसकंटिन्यूअस एट 0, आई थिंक क्यों? मैम यू शेप होता है ना? ना अच्छा, एवरी पॉलीनोमियल इज यू शेप ओनली, इज इट करेक्ट? ना 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 पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी एग्जांपल इज पॉलीनोमियल का. सी, पॉलीनोमियल फंक्शंस आर आल्सो ऑलवेज कंटीन्यूअस, दे आर नॉट गोइंग टू बी डिसकंटीन्यूअस. All right, let me take the very easiest function. I think we should start with that function only, but I just forgot to start from there. What can you say about identity function? For the ones who just got confused, what is an identity function? Yes, Preksha, do you remember an identity function? आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स इनपुट, वही जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट. वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, रूट टू की इमेज रूट टू, 3.5 विल गेट मैप टू 3.5 एंड सो ऑन. ओके, ग्राफ कैसा होगा? लीनियर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। वेरी गुड, करेक्ट. यस प्रणव, एग्जैक्टली. It is going to be linear passing through the origin.
सो इट्स अ लाइन कंटिन्यूअस एवरीवेयर. यस मैम. सो दिस इज इजी. ओके सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. Like this. So, what about the constant function? कंटिन्यूअस होता है. Constant function किसे याद है? Who's going to tell me the constant function? You can give me an example at least. Revision चल रहा है. I hope. कांस्टेंट फंक्शन तो बता पाओगे भाई. अनल 0.4. जीरो कॉमा फोर इज नॉट अ फंक्शन. यू आर गिविंग मी अ पॉइंट हियर. fx इक्वल्स टू फोर या सिक्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए. सपोज ए इज देयर. ओके मींस कोई भी इनपुट्स दो आंसर विल बी सेम ओनली. इन शॉर्ट दिस इज वाई इज इक्वल टू ए. So what will be the graph of this one? Parallel to x axis, y axis. You tell me, x or y? X axis. X axis only. Suppose if this is my a is here, so the graph is going to be like this. This is also continuous everywhere. There is no break. No, there is no break. So this is also continuous everywhere. So these are some points you that there you need to understand. Okay, this is continuous. Constant function is there. All right, then what about sine function? Trigonometric in the case of trigonometric functions, different we talk about first function to be sine. Continuous. Continuous. How many are there? Yes, ma'am. Priksha. Continuous or discontinuous? Do you remember half of the sine x? Yes, it is continuous. What about cosine function? Yes, neat. Yeah, up and down waves, correct. Cosine? Continuous. This is also continuous, right? Okay. Now let me start with modulus function. Yes, modulus. What do you think about the modulus function? V shape graph बेटा तुम लोग से पूछा जा रहा है modulus function क्या होता है तो आपको ये नहीं बताना है. V shape means what fx kind? Fx equals to mod x. Yes. Means always remain positive. Positive. So what can you say about its graph? Well, this looks like this, if I'm not wrong, right? Har point pe hai, theek hai? Okay, this is also fine. Now, what do you think about signum function? Yes, signum function. Do you remember the signum function? Steps. No. Yes, ma'am. CD jaisi hoti hai. Wrong. Signum function like show me your sign. Show me your sign function. None of you remember it? Minus 1, 0, 1. Yes, negatives will get mapped to minus 1, positives to 0, sorry, positives to 1 and 0 to 0. Means if your input is a negative number, then you have to map it to the minus 1. 0, then 0. If it is positive, then plus 1. So if I have to draw the graph of such a function,
ये डिसकंटिन्यूअस होता है ना कहीं पे. लेट्स सी फर्स्ट लेट्स प्लॉट दैट फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर इट इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन बट जैसे ही जीरो पे आया तो जीरो एंड फिर फॉर ऑल द पॉजिटिव नंबर इट इज वन. दिस इज द ग्राफ. सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन इज इट कंटिन्यूअस एवरीवेयर Except zero. Except zero. You can see there is only one point at which it breaks, which is zero. So we will simply write f of x is discontinuous at only one point, which is zero. So what kind of questions can come for the one markers? They can ask you find the points of discontinuity for the signum function. So you should remember, okay, it is discontinuous at zero only. Or how many points are there at which it is discontinuous? So, कितने points पे discontinuous? One point. Only one point. इसी में ही confused हो जाते हैं कि कहाँ one कहाँ zero लिखना था. They are asking how many points are there at which the function is discontinuous? They will write zero. Means एक भी point पे discontinuous नहीं है. x equals to one point only. Yes, so ये point mention करना बहुत important है to be more careful. Okay? इसमें कोई maths नहीं, इसमें simple English था. Alright? Hello Aryan, good evening. Well, if this one is clear, let's talk about everyone's favorite function, which is called step function, greatest integer function. Aryan, we are just discussing the, sorry, we are just doing the revision of the continuous functions, okay? So let me write down the greatest integer function, also known as a step function. So let's see who will tell me the definition of this function. Let me ask. Okay, Harsh, stay quiet, okay? Now let me पिछले बार मैंने यही बोला था, गलती से कंफ्यूज हो गया था. Let me ask. Yes, Hardik, can you tell me, do you remember about the greatest integer function? Hardik? रिस्पॉन्स यस और नो कुछ तो बोलो भाई. कोई हार्ड मार्किंग रूल नहीं हो रहा है. नो सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन. वॉट इट इज स्टेप फंक्शन. फंक्शन The reason why we called it to be okay, it's all right. If you cannot type, you can also say it as well. So let me draw this. This is actually one of the favorite functions of the CBSE boards. Also, they always gives one marker questions from this. Always, most of the time, well. क्या पूछते हैं इसमें से? वो कुछ भी पूछ सकते हैं. नाउ लेट मी लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट्स ग्राफ्स लुक लाइक जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज देयर माइट बी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. प्रेक्षा इज इट क्लियर टू यू व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज? डू यू नो अबाउट इट? Okay, good. All right. Now see, what does it say? In the case of inputs, what we have to do, if I'm finding the input of, suppose I have to find the image of f of 1.9. So means you have to look at the left hand side of this integer.
of this point and look at the integer which is on the left side of 1.999. Now if you look at here, 1.999 will lie between 1 and 2, right? And the point is going to be somewhere here. So which integer is on the left side of this point? 1. 1. The final answer for this is going to be 1 only. Means no matter if you are going to take any point from 1 to somewhere here, the answer is always going to be 1. But the moment you choose is 2. At 2, what happened? The image will become? The point is 2. 2 ho jayega. So let's try to plot a graph here. This is my 0. 0 se leke 1 tak kya rahengi values? 0 pe 0. 0. And for all the values lying between 0 to 1? 0. But the moment I will reach 1, 1 pe pahunchte kya ho jayega? 1. 1 ho jayega. Jump. Yahan pe main hollow circle bana deti hun just to make sure ki ye include nahi hai point. Next. 1 se leke 2 tak. Sorry, but the moment it will reach 2, there is a jump. Ma'am, hum 2 ko kyun nahi include karte? Agar hum f of 2 lenge, to 2 hi to aayega, hai na? To 2 to fir idhar ho gaya na, plot kahan karoge? 2 pe karoge, idhar karoge? Achha, theek hai. Okay. So the graph is going to be like this. Similarly, on the other side also. So isn't it looking like a staircase to you? Isn't it? Suppose you are here in a game, huh? You have to jump here. Like this. It is like a staircase to you. So that's why it is called step function. Now who is going to tell me whether it is continuous or not? Not discontinuous. Discontinuous? At what points? Is it discontinuous everywhere or at some points? R minus Z. Yes. In pe discontinuous hoga. Haan. R minus... Nahin, is pe continuous hoga. Continuous. Continuous hoga, ma'am. Yes. It's all right, Ankita, you can leave. Just take care of yourself. So see, remember this, always in this, you can see the kin points pe aapko jump mil raha hai. Kin points pe discontinuous hai ye? All integers. All integers. So points of discontinuity is all integers. It's very very important. I'm saying it again and again. Isi se ghuma fira ke bahut sare questions bana dete hain. Set of integers. Agar aapko ise continuous banana hai to main kya kar sakti hu? Main agar apne in domain mein se integers ko lu hi na to kya hoga? They will become continuous. R minus Z kar denge hamara agar domain hoga to ho jayega. Now what bahut hi ajeeb sa function hai. Now, what kind of questions they can ask? They can ask you, suppose I have, the function is defined as f of x is equals to greatest integer x in close interval 3,9. Now, tell me at what points this function is discontinuous. How many points are there at which the function will become discontinuous? 2 points, 3 and 9. Anyone else? क्या मैम एक और क्वेश्चन रिपीट करना? You have already given your answer. Now stay quiet. Let me think again. But you are not allowed to say. Yes. Pooja, how many points are going to be there at which this function will become discontinuous? 7. 7? Oh. Yes.
दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूअस एट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दे कैन आस्क इवन द प्रैक्टिकल्स एज वेल. नाउ व्हाट इफ माय डोमेन, आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच वन थिंग इन माय डोमेन. व्हाट्स दैट? आई विल जस्ट यूज चेंज द ब्रैकेट्स हियर. Okay, what I have done here, I have just changed my bracket, so this will become 3, 9. Now, what can you say about this? How many points of discontinuity are going to be there? 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so try to look at the questions very carefully. Okay, there are single minute error. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, फिर जब मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर आंसर खुद बताते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू गेट एट द टाइम ऑफ द एग्जाम. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत वन मार्कर्स बन गए, मोस्टली वेराइटी कवर हो चुकी है. दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर द सिग्नम फंक्शन एज वेल, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर इंपॉर्टेंट है. Because mostly students na kya mistake kar dete hain, they used to think that greatest integer means we will round it off, so we are not going to round it off, right? We are just looking at the left. Look at your left side, it always says always look at your left. So no matter where you are, if you are on the integer, then it is okay. If you are not an integer, look at your left. That's it. All right, clear? Well, this was all about some of the functions. Exponential and logarithm functions are also be taken. E raised to power x, log x. These functions are also have to be considered. And they are continuous, but they are continuous in their domains. Now, what does it mean? What is the domain of the log x? Now, let's see how many of you remember. Log x to pata hai na? But what is the domain of this function? 1 = log x is there. What is the domain? Domain means what values of x input. Are yes, inputs. Inputs ki range kya hai yahan pe? What type of inputs we can take in the game of logarithms? Log kin numbers? Between 0 to 1. Bas. Natural numbers. नहीं नहीं वो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है, बस इतना पता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ खत्म होता है. Anyone, Anand, what is the domain of the logarithm? Log kin values के लिए define है. I'm not remember. Not remember. Very good. Next, Anjali. For what values of real numbers? Real numbers. All real numbers. Yes, ma'am. Can you tell me what is the value of log of -24? No, I use only positive real numbers. Yes. Log is defined for only positive real numbers. That is, x is 0. So, agar aapse koi puche ye function x is equals to -3 pe continuous hai ya nahi, then what will you say? जब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो हाउ कैन आई टॉक अबाउट इट्स कंटिन्यूटी देयर? मींस यहाँ पे तो रोड ही नहीं जा रही. अगर आपका पाथ जा ही नहीं रहा तो आप कैसे बताओगे कि उस पाथ में ब्रेक है या नहीं है? ओके, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे इसमें? द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट. मींस ये तो अगर पूछा जा रहा है तो गलत पूछा जा रहा है. ट्रू फॉल्स, ओके, ट्रू फॉल्स थिंग में आ जाएगा. Similar, ठीक है. If there is a rational function, I have discussed that also. Remember, we used to say that x plus 5 upon x minus 3. Find the point of discontinuity here. Now you tell me, किस point पे ये discontinuous होगा? I know the above function is a polynomial function, so it is continuous everywhere. Three. Reason? क्यों? क्योंकि denominator zero हो जाएगा. As q should not be equals to 0, PYQ form है तो. Here it has been mentioned, ये 3 पे defined ही नहीं है. अगर उन्होंने ये तो
थोड़ी ना बोलोगे, फिर तो आप कहोगे ठीक है फिर तो कंटिन्यूस है क्योंकि हमने थ्री में ठीक तो है यही मैम। किया। दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द रीजन सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। आई डोंट रिमेम्बर अबाउट द न्यूमरेटर, इट वाज व्हाटएवर इट इज आई डोंट नो, बट इन द डिनोमिनेटर दे जस्ट रोट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 6, something like this. So here, what I have to do, I will find out the factors of this one and see at what points this is going to be zero. Remove these points and these points will be the answer for the points of the discontinuity. So this greatest integer functions ho gaya, fine. Second jo questions aapka rehta hai, this is coming from this topic only. All right? Clear? So the rational part is also clear? सिमिलरली यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट दी 10 के बारे में आप खुद सोचना, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी के बारे में आप खुद सोचोगे। नाउ लेट मी डिफाइन द अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन, व्हाट इट इज। मैम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप बताओगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने तब डिस्कस किया था जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ चैप्टर 5 ही पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे थे लोग। So, वो values के defined है, it is defined for all values, then continuous everywhere. Okay? Now, let's come to the algebra of continuity. It says, suppose I have a function which is continuous at a point. ठीक है? F, we have f of x and g of x. They are continuous at x is equals to c. किस पे continuous है? दोनों ही at c. अगर कोई दो functions एक point पे continuous हैं, then their sum is also going to be continuous at the same point. Means मैं अगर एक new function generate करूं, which is the sum of these two functions, then this is also continuous at same point. बाकी सबकी नहीं पता बट उस पॉइंट पे जरूर कंटिन्यूस हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, एक और बार बताना। सपोज आई हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज कंटिन्यूस एट सी एंड जी ऑफ एक्स दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी। आई हैव दीज टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। नाउ वी हैव टू फाइंड अ वी हैव टू सी वेदर माई एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस और नॉट। सो हाउ टू डिटरमाइन वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट? अगर दोनों ही सी पे कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम भी इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? समबडी मैम इसका प्रूफ क्या है कि ये होगा ही कंटिन्यूस? अब प्रूफ करवाने हैं उसके लिए तो पूरे लिमिट्स निकाल के सॉल्व करो, जो LHL RHL करके हम निकालते हैं। यस अच्छा, फिर हमें सेपरेटली तीनों का निकालना होगा, उसके बाद एड करके दिखाना होगा, है ना? See, function is f of x is equals to sin x plus cos x and I just want to check whether it is continuous at x is equals to 0 or not. 0 pe nahi, at x is equals to pi by 4. So how can I start? I know that sin x is continuous everywhere, right? Mujhe pata hai sin x har jagah continuous hai. If sin x is continuous everywhere, toh wo pi by 4 pe bhi continuous hoga? Yes or no? Maybe yes. Why maybe? Definitely it is. Yes, ma'am. Four पे तो होगा ना? And what about cos x? वो भी होगा. So what can you say about this total sum? It will also continuous. It will be continuous also. Without actually worrying about कि function का graph कैसा होगा, because अब जो दोनों का sum आ रहा है, उसका graph तो कुछ और ही आएगा. ना ग्राफ तो टोटल डिफरेंट आने वाला है, सेम तो रहेगा। कांट प्रिडिक्ट नहीं, आई कैन नॉट से दैट कांट प्रिडिक्ट, बट दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप फॉर द टाइम बीइंग नाउ ओनली। आई एम नॉट सेइंग कि कोई निकाल नहीं सकता, ऑफ कोर्स यू कैन, बट फॉर द टाइम बीइंग नाउ लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द ग्राफ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू लुक एट द ग्राफ्स। व्हाई टू वरी अबाउट द ग्राफ व्हेन यू कैन एक्चुअली से अबाउट इट बाय जस्ट लुकिंग एट इट? इट्स मोर लाइक यू आर टेलिंग इट्स फ्यूचर।
यू आर जस्ट रीडिंग द साइंस एंड यू आर सेइंग यू विल बी कंटिन्यूअस. अब जिसको ग्राफ बना के चेक करना है जाके कर ले, बट इट इज कंटिन्यूअस. ओके, इट इज लाइक अ फेस रीडिंग फॉर द फंक्शंस. फंक्शंस की फेस रीडिंग हो गई एक तरीके से. सिमिलरली अगर डिफरेंस होता देन ऑल्सो द सेम थिंग. एंड सरप्राइजिंगली दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. मीन्स इफ आई हैव अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एंड आई हैव अनदर फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट, सेम पॉइंट. राइट, मीन्स दो फंक्शंस हैं, अगर वो इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट पे देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एट द सेम पॉइंट. वॉट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल हियर. लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल हियर. वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस. नाउ आई एम मेकिंग अनदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. वॉट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? I know sin x is continuous everywhere. Cos x is also continuous everywhere. Then what can you say about their product? Continuous hoga. This is also going to be continuous everywhere. Right? Preksha? Yes, ma'am. Are you getting? Okay. All right. Since we talk about this addition, difference, product, next in the line is any guesses? Division. Division, right. So this is f of x by g of x. Now, what can you say about? Is it going to be continuous always? No, ma'am. Where will be the problem? In the denominator, it should not be equals to zero. Yes, so it is if and only if g of x is not zero. Means the denominator है आपका वो zero ना हो, ऐसे point पे discontinuous नहीं होगा. Okay? अगर मैं ए पॉइंट सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ, सो आई हैव टू मेक श्योर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक हो रही है उस पॉइंट पे ये जीरो ना हो. दैट्स व्हाई रिमेंबर द एग्जांपल दैट आई टुक अबव एक्स प्लस थ्री अपॉन वन. सेम एज रेशनल फंक्शन. यस, बिकॉज दिस विल बी द रेशनल फंक्शन. इज इट क्लियर? सो आई होप द एलजेब्रा पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. So this is more like you can tell about the function by just looking at it and some popular functions. I haven't started with the limits in which you have to actually calculate them and all. So what we will do in the next class, I will discuss the questions from your exercise. But the basic geometrical idea is clear, right? So you can talk about them at least. At least you should know that if you are talking about the continuity, what does it actually mean? Because if you look at your exercise, you can see in some of the cases, it is not. Ma'am. Yes. Ma'am, एक बार स्टार्टिंग से मैम मेरे को सब कुछ दिखा देते, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता, आज अपने सारे फंक्शन की लिस्ट बना लेता और रख लेता. बट मैंने प्रॉपरली किया नहीं है. अरे तो मैं समझ जाऊंगा ना, मैंने तो क्लास अटेंड किया ना, कहाँ क्या लिखता है तो समझ जाऊंगा. ओके, एवरीथिंग इन वन गो? नहीं नहीं दो से तीन बार में दिखा दो. काफी पढ़ लिया हमने आज. बहुत सारे कलरफुल फंक्शंस दिख रहे हैं मैम, लेकिन आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया. अच्छे से हो गया ना क्लियर? यस मैम. प्रेक्षा